स्टूडेंट्स, आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं फाइल एज ए रिसोर्स। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे नेक्स्ट जो आपका साइड का जो पार्ट है वो है
साइड का जो ये हिस्सा है यहाँ पे वेदर का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। ये साइड का साइड जो है यहाँ पे बनने के लिए जो है हजारों लाखों मिलियन इयर्स लगते हैं और फिर जाकर जो है ये साइड जो है तैयार होती है। क्यों क्यों लगती है इतने साल? क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो इफेक्ट डालती है, जैसे आपका मौसम का तब्दील होना, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट जाती है और जो पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन
उसको डेल्टा कहा जाता है, और ये डेल्टा जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल साइल। देखिए इसमें दूसरी बात आती है कि एल्यूवियल साइल जो है ये किन किन एरियाज में पाया जाता है, यानी एल्यूवियल साइल ऑन द बेस ऑफ एरिया, एरिया की बेस पे इसको हम कैसे देखते हैं, ये कहां पे पाया जाता है। तो इसमें ये तीन चीजें आपने देखी, बड़ी टिपिकल चीजें हैं, जैसे ग्रास, चॉस एंड किराई, ये तीन चीजें हैं इन पेडिमोन प्लेन्स। सबसे पहले मैं आपको पेडिमोन प्लेन्स बताऊंगा कि पेडिमोन प्लेन्स जो है ये किसको कहते हैं। पेडिमोन प्लेन्स जैसे आपके पास ये पहाड़ है, पहाड़ का ये क्या है, ये फुटहिल है, फुटहिल पहाड़ खिसकते हैं, पत्थर गिरते हैं, दरख्त गिरते हैं, बहुत सारी चीजें वहां से बहकर नीचे फुटहिल पे आती हैं। ये जो फुटहिल है, ये फुटहिल क्या करता है, यहां पे बहुत सारी चीजें जो है डिपॉजिट कर जाता है, और जो यहाँ पे डिपॉजिट रहती चीजें वो क्या है, वो जैसे आपकी फर्टाइल साइल जो है वो आपका डिपॉजिट हो जाती है, और इस फर्टाइल साइल को जो है पेडिमोन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। फुट हिल स्पेस चीजें जमा रहती है माउंटेन्स के गिरने से, उनको पेडिमोन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें इसमें है, दुराज, चौज एंड तिराई, यानी ऑन द बेस ऑफ एरिया, यानी दुराज ये वो एरिया है, दुराज में आसाम वाले एरिया को कहा जाता है, दुराज आसाम वाले एरिया को कहा जाता है, आसाम वाले एरिया में जो एलिवियल साइल डिपॉजिट रहती है। उसके बाद चियाज जो है ये पंजाब वाले एरिया को कहा जाता है, और तराई जो है ये यूपी के एरिया को डिनोट करता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट इसमें चीज आती है वो क्या है, वो है खादर एंड भंगर। खादर एंड भंगर जो है ये किसको कहा जाता है, देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको कहूंगा कि खादर, जैसे घर में आपके पास चीजें पड़ी होती है, पुरानी चीज को क्या कहा जाता है, भंगर, और नई चीज जो आपके पास आती है उसको खादर कहा जाता है। यानी जैसे आपका दरिया जो है वो बहता है, दरिया के बहने से क्या होता है कि रिवर बेड्स है, जो रिवर बेड्स के नजदीक जो साइल होती है, यानी नियर रिवर बेड्स साइल को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। एंड फार अवे फ्रॉम द रिवर बेड्स जो साइल पाई जाती है उसको ओल्ड साइल के नाम से जाना जाता है। सिंपल खादर, जैसे आपने खेत में, हम बोलते हैं कि खेत में खाद डालो, खाद डालने से नई फर्टिलाइजेशन होती है इसकी साइल की, नई फॉर्मेशन होती है साइल की, खादर मींस खाद के उसके उससे जो बनती है साइल उसको खादर कहा जाता है, और जो ओल्ड साइल होती है उसको भंगर कहा जाता है। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंटेंट एंड क्रॉप्स। कंटेंट एंड क्रॉप्स, एलिवियल साइल में कंटेंट क्या होता है, कंटेंट इसमें पाया जाता है आपका पोटेश, फास्फोरिक एसिड, लाइम एक्सेट्रा। तो इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी उगती है, एलिवियल साइल में क्रॉप कौन कौन सी पैदा होती है, वहां पे शुगर कैन, पैडी, वीट, सीरियल्स एंड पल्सेस जो है, ये चीजें यहाँ पे खास तौर पे जो है एलिवियल साइल में उगाई जाती है, और ये एलिवियल साइल में काफी कारामद है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको सॉइल एज ए रिसोर्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने आज सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस किया है, वो है एलिवियल सॉइल। इसके नेक्स्ट टॉपिक